हेलो बच्चों, आज हम देखेंगे धोरण 12। आज का विषय है बीए चैप्टर नंबर 1 संचालन महत्व स्वरूप। अब देखेंगे हम लोग संचालन का कार्य। संचालन के कितने कार्य है? 5। ऐसे तो वर्गीकरण के हिसाब से अलग अलग है, अलग अलग प्रोफेसर के हिसाब से, लेकिन यहाँ पर जो हम लोग ने लिया है कि संचालन का कया कया कार्य, यानी कि संचालन के कौन कौन से काम, तो यहाँ पर 5 पॉइंट है। इसमें पहला पॉइंट है आयोजन, दूसरा व्यवस्था तंत्र जिसको प्रबंधी कहते हैं, तीसरा है कर्मचारी व्यवस्था, चौथा है दोहरावणी और पांचवा है अंकोश। तो सबसे पहले आयोजन किसे कहते हैं? तो आयोजन की शुरुआत जो है वो कोई भी काम करो तो सबसे पहले आयोजन करना जरूरी है। जैसे इसका एक एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ कि हमारे घर में अगर शादी भी आए तो शादी को अंजाम देने के लिए हम लोग पहले से इसकी तैयारी करते हैं, यानी कि आयोजन करते हैं। अब वो तैयारी क्या है कि भाई शादी के अंदर कौन कौन से काम है हम लोग पहले उसको जानते हैं। अब उसके बाद हम उस काम को क्या करेंगे? बांटेंगे। हर इंसान के ऊपर उसकी एक एक जिम्मेदारी हम लोग दे देंगे और जिम्मेदारी देने के बाद वो काम को आसानी से अंजाम तक पहुंचा सकते हैं। अगर हम किसी को जिम्मेदारी ना दें, अगर उस काम को अगर हम बांटे नहीं तो काम के अंदर हमें कामयाबी मिलेगी नहीं। यानी दूसरी चीज यहां पर और भी कही गई कि जिस काम को हमें करना है, बराबर है, यानी कौन सा काम करना है, किसको करना है, कब करेगा, किस तरीके से करेगा और कितने हिस्से में वो करेगा, यानी कि उसकी क्षमता, उसकी ताकत कितनी है उस काम को अंजाम देने की, तो उसके बारे में जानकारी हासिल करनी जरूरी है। तो यहां पर और एक चीज भी बताई है कि आने वाले वक्त के अंदर, यानी कि हालात जो आते हैं उस हालात को दूर करने के लिए, यानी कोई मुसीबत हमको मालूम है कि भाई आने वाला वक्त कैसा है उसके बारे में हम जानते नहीं, लेकिन फिर भी हम अंदाजा लगा लेते हैं कि भाई आने वाला वक्त ऐसा होगा, तो आने वाले वक्त के बारे में जब अंदाजा लगाते तो उसके हिसाब से हमको उसकी तैयारी भी करनी रहती है। तो यहाँ पर वही चीज कही गई कि आने वाले वक्त के अंदर अगर कोई नुकसान होने वाला हो, कि कोई आफत आने वाली हो, तो हम उससे पहले उसकी तैयारी करने के अंदर लग जाएंगे। तो यहाँ पर आयोजन भी क्या है कि आयोजन यही कहता है कि जो मौजूदा हालात है उसको दूर करना और आने वाले हालातों को पहले से तैयारी करके उसको दूर करने की कोशिश करना, यानी कि आयोजन बहुत जरूरी है। अगर आयोजन बिना अगर हम कोई काम करेंगे तो हम इस काम को अंजाम दे सकते नहीं है। तो इसके अंदर बताया गया है कि आयोजन किसे कहते हैं, तो कि आयोजन का जो अंतर, यानी कि जो डिस्टेंस हम लोगों को दिया गया है उस काम को अंजाम देना और अंजाम तक उस काम को पहुंचाना, उसको आयोजन कहा। दूसरा पॉइंट हमारे पास में है व्यवस्था तंत्र। अब व्यवस्था तंत्र किसे कहते हैं, तो कि भाई हम काम को क्या करते हैं, बांटते हैं। तो काम किसको बांटा? अब उस काम को बांटने के बाद, यानी कि इससे पहले हमने पढ़ा था सत्ता के बारे में, 3 बांटी होती है, हर किसी के पास अपना अपना काम होता है। अब सत्ता के हिसाब से, पोजीशन के हिसाब से हम काम को बांट देते हैं। तो काम को बांटने के बाद जिसके पास जो जिम्मेदारी होती है, जिसको हमने बेचा है कि भाई कौन काम कौन सा करेगा, किसके पास कौन सा काम आएगा, तुमने इस काम को बांट दिया। बांटने के बाद इस काम को व्यवस्था तंत्र का आया है, तो जिसके जिम्मे जो जिम्मेदारी आई, यानी कि जिसके जिम्मे ये काम आया और वो काम को अगर अंजाम देता है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, व्यवस्था तंत्र, क्योंकि हमें काम को बांटा है, तो बांटने को व्यवस्था तंत्र कहते हैं। और दूसरा इसका नाम जो हम लोग को यहाँ पर कहा है वो प्रबंध है, यानी कि काम के ऊपर देखरेख रखना, कार्यावश्यकता, यानी किसको हमने काम दिया, कितने वक्त के अंदर वो पूरा करेगा और किसके पास कौन सी जवाबदारी रहेगी और जवाबदारी के मुताबिक वो काम को कर सकता है या नहीं कर सकता, ये तमाम चीजों को इसके अंदर ध्यान में रखना पड़ता है। इसके लिए बताया गया कि इसके अंदर बौद्धिक, यानी कि पहले से बुद्धि, यानी हमारे दिमाग का इस्तेमाल भी इसके अंदर करना है, क्योंकि ये जो अमल है, इस तरीके से हमारे शरीर के अलग अलग हिस्से है, जो अलग अलग हिस्से है अलग अलग तरीके से काम करते हैं। भाई हाथों का काम क्या है, पकड़ना, आंखों का काम क्या है, देखना, जुबान का काम स्वाद को चखना, नाक का काम श्वास को लेना, कान का काम सुनना, यानी उसी तरीके से हमारी बॉडी के अंदर जिस तरीके से हर आजा को हमने काम को बांटा है,
यानी कुदरत ने पहले से उसको बांट कर दिया है, तो हमारे लिए वो काम आसान है कि भाई हम नाक से सूंघ सकते हैं, कान से सुन सकते हैं, जुबान से टेस्ट चख सकते हैं, हाथों से पकड़ सकते हैं, पैरों से चल सकते हैं। अगर इस काम उल्टा कर देवे तो हम कभी इस काम को अंजाम दे सकते नहीं है। उसी तरीके से यहाँ पर व्यवस्था तंत्र भी ऐसा ही है जिस तरीके से हमारा शरीर है। तो उसके बाद यहाँ पर दूसरी चीज हम लोग को बताए कर्मचारी व्यवस्था, यानी कि जिस तरीके का काम है उस तरीके से हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि उस तरीके से हमको कर्मचारी की व्यवस्था करनी पड़ेगी कि जितना बड़ा काम उतने ज्यादा कर्मचारी, जितना छोटा काम उतने कम कर्मचारी। अगर हमारी हैसियत है काम को अंजाम देने की तो हम काम को अंजाम देने के लिए कर्मचारियों को बढ़ाएंगे, क्योंकि कर्मचारी एक ऐसा इंसान है जो काम को नफे के रूप में यानी कि इजाफा भी कर सकता है। क्योंकि काम करने के लिए हम जिस कर्मचारी को अपने यहाँ रखते हैं अगर वो मेहनत के साथ और अच्छे तरीके से और दिल से अगर उस काम को अगर वो अंजाम देता है तो हमारी कंपनी या हमारे काम को वो बढ़ावा कर सकता है, यानी हमारा काम प्रॉफिट के रूप में हो सकता है, यानी कि नफे के रूप में हो सकता है। क्योंकि ये एक हार्ड लिंगल जैसा ही है व्यवस्था तंत्र के कर्मचारी व्यवस्था एक हार्ड पिंजर जैसा ही कि जितना इसके ऊपर मेहनत कर जितना ध्यान दिया जाएगा कौन सी हड्डी किसके अंदर जुड़ी इस तरीके से तो इस काम को अंजाम देना बहुत आसान हो जाएगा। ये कंपनी को ऊपर लाने के लिए सबसे पहले हमारे पास ये कर्मचारी ही है, ये कर्मचारी के साथ अगर हमारा वर्ताव हमारा इसके साथ का संबंध जो है अगर सही है तो काम को अच्छी तरीके से निभाएगा, इससे हमारी कंपनी ऊपर आ सकती है। क्योंकि इनको तो अपने पगार के हिसाब से चलता है, अगर वो पगार के हिसाब से अगर चलेगा काम को अंजाम सही से नहीं देगा तो नुकसान हमारा ही होता है। अगर इनके साथ में व्यवहार अच्छा रखकर अगर हम काम को सही से करेंगे, इनके पास काम को सही से लेंगे तो हमारा काम आसान हो जाएगा, काम के हिसाब से हमारा कोई इजाफा भी हो सकता है। तो संख्या के हिसाब से यानी कि इनके अंदर भी कर्मचारियों के अंदर भी अलग अलग तरीके का नॉलेज होना जरूरी है। इनकी लायकात देखनी चाहिए कि कौन कितना पढ़ा लिखा है, उनका दिमाग कितना शातिर है, कौन कितना दिमाग चलाता है। अगर उनके अंदर ये सारी खूबी है, उनके अंदर ये सारी चीजें मौजूद है तो उस हिसाब से हम उसको क्या करें अलग अलग डिपार्टमेंट के हिसाब से उसको बांटे, तालीम उनके अंदर कितनी उस हिसाब से उनको, यानी जब जब उनके पास जो जो लायकात है लायकात के हिसाब से अगर उनके पास काम लेंगे तो हमारा काम उतना ही आसान हो जाएगा। उसके बाद इन कर्मचारी को अगर हम लोग बढ़ती यानी कि इसका कोष बढ़ा दें, यानी कि जिस काम के ओहदे को अगर हम लोग इनके काम के ओहदे को बढ़ाएंगे तो हम लोग कर्मचारियों का दिल जीत सकते हैं और कर्मचारी आसानी से इस काम को अंजाम दे सकता है। अगर कोई कर्मचारी काम चोर था हम उसको निकाल भी सकते हैं। ऐसे बहुत सारे हालात हमारे अंदर आते हैं जिसके अंदर कर्मचारी को बढ़ाना, ऊपर के पोस्ट के ऊपर ले जाना, बढ़ती करना जिसको बोलते हैं, निकाल देना, ये सारी चीजें इसके अंदर मौजूद है। उसके बाद हम लोग को बताया दोरवणी। दोरवणी किसे कहते हैं कि जब कोई काम किसी के समझ में नहीं आता तो उस काम को समझाने के लिए उसको दोरवणी यानी कि रास्ता दिखाना। दोरवणी का मतलब होता है रास्ता दिखाना, यानी जब काम के अंदर रुकावट पैदा होती है तो उस रुकावट को दूर करने के लिए कर्मचारी को रास्ता दिखाना चाहिए, उनको सही समझ देनी चाहिए ताकि वो काम को सही से अंजाम दे सके। उसके बाद हमारे पास आखिर में है अंकुश। अंकुश किसे कहते हैं तो अंकुश का मतलब होता है रोक लगाना, यानी कि जब काम करने वाला कर्मचारी अगर काम के अंदर कोई गलती करता है जिससे बड़ा नुकसान हो सकता है तो उस काम को तुरंत अंकुश लगा दे यानी कि रोक दे, उस काम को करे नहीं। अगर उस काम को हमने रोका नहीं तो हमारा ही नुकसान हो सकता है, और जिसकी वजह से यहाँ पर अंकुश जरूरी बन जाता है कि काम के अंदर जब हम नुकसान देख रहे हैं, काम के अंदर हमको ऐसा लगता है कि हमको तकलीफ देगा, काम के अंदर हमको ऐसा लगता है कि इससे हमारा बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है, तो हम उस काम के ऊपर क्या लगा दे अंकुश लगा दे, पाबंदी लगा दे ताकि उस काम को रोका जाए। और अगर काम को हमने रोक दिया तो हमारे अंदर क्या आएगा सुधार आ सकता है क्योंकि काम को हमने नुकसान होने से बचा लिया है। उसी के साथ साथ में ये क्या है कि अंकुश को अगर यानी लगाने के बाद हमने काम को रोक दिया तो काम जो खराब होने वाला था उसको तो रोक लिया हमने, लेकिन आने वाला जो है यानी कि जो गलती दोबारा हम लोग अगर ऐसी गलती नहीं करें तो वही चीज ध्यान में रहती है कि अगर हमने सही से अंकुश लगाया है तो कर्मचारी ने इस बार जो भूल की जिसके ऊपर हमको अंकुश लगाना पड़ा तो वही कर्मचारी दोबारा यानी कि आइंदा दूसरी मरतबा उस भूल को दोहराएगा नहीं, क्योंकि अगर हम लोग उसके ऊपर ध्यान देंगे तो ये चीज हमारे लिए आसान होगी। अगर हम लोग ध्यान नहीं देंगे तो आने वाले वक्त के अंदर फिर से कर्मचारी वही गलती कर सकता है जिससे उसका नुकसान हमें ही उठाना पड़ेगा।
जिसकी वजह से ये गलती बार बार दोहराई नहीं जाए, इसके लिए अंकुश लगाना जरूरी है।